4 योगा पोजेस फॉर पीसीओडी और पीसीओएस। जीवन कोश पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम सीखेंगे वो 4 योगासन जो कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम में काफी लाभप्रद होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 4 योगासन कौन से हैं। बद्ध कोण आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बटरफ्लाई किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैट पर आपको इस स्थिति में बैठना है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए, मतलब अपनी जो सोल है पैर का एक दूसरे से मिलाते हुए और फिंगर से, मतलब इसे क्लच करते हुए दोनों हाथों को शरीर को एकदम टर्न के, मतलब स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इस तरह से लॉक कर देना है। आपके जो हील हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ आपको ले जाने हैं, बाहर की तरफ नहीं। तो इस तरह से ये आपका पोस्चर हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको नीज जो है नीचे की तरफ, ये बद्ध कोण आसन हो जाता है अगर आप इसको मूव करते हैं, तो ये है आपका बटरफ्लाई पोज। इस तरह से ज़्यादा आपको ज़मीन की तरफ, मतलब आपका जो हिस्सा है आपका नीज है, वो नीज आपके फ्लोर की तरफ लगने चाहिए। इसको आप 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिन लोगों को क्रॉस लेग, मतलब इस तरह से नहीं बैठा जाता है, वो इस आसन में बैठ सकते हैं। अगर अंदर ज़्यादा करने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा बाहर आप इस पैरों को इस तरह से रख सकते हैं और फिर इसी मुद्रा को इसी ही पोजीशन में बैठकर बैक को स्ट्रेट करके ज़्यादा झुकाए नहीं नीचे, इस तरह से मूव कर सकते हैं। पवन मुक्तासन। मैट पर आपको सीधा इस तरह से लेट जाना है। आप पैर सीधे भी रख सकते हैं और इस तरह से मोड़ के भी रख सकते हैं। अब श्वास को अंदर खींचते हुए अपनी नीज को इस तरह से फिंगर्स को लॉक करते हुए शिन बोन से पकड़ते हुए अंदर की ओर खींचना है, प्रेस करना है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ देना है। कुछ देर रुकने के बाद आपको फिर से श्वास लेना है और फिर अपनी गर्दन को इस तरह से उठाते हुए या तो चिन या फिर आपको अपना फॉरहेड लगाना है। फिर श्वास लेंगे और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस अपनी स्थिति में। अब बताते हैं कि जिनको नी पेन है, नी पेन में आपको यहां से नहीं फिंगर लॉक करना है, यहां से नहीं पकड़ना है। नी पेन वालों को अपनी लेग्स को एल शेप में रखना है 90 डिग्री के एंगल में और नीचे से फिंगर लॉक करते हुए इस तरह से प्रेस करना है। उनको ज्यादा नी बिल्कुल अंदर बिल्कुल मोड़ने नहीं है, एल शेप से बाहर नहीं जाना है। इस तरह से रखते हुए सेम कर सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको गर्दन नहीं उठानी है, नीचे ही रखना है। नहीं है आपको सर्वाइकल, नेक में पेन नहीं है या कोई शोल्डर में पेन नहीं है, तो आप गर्दन को इस तरह से उठा सकते हैं। जितना हो सके आपको होल्ड रखना है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, 1 मिनट तक भी आप आसन को होल्ड रख सकते हैं और आराम से उठ के आप लोग बैठ जाए। हलासन। सबसे पहले आपको पैरों को सीधा रखना है, कमर को सीधा रखना है और धीरे से नीचे लेट जाना है अपने मैट की ओर। दोनों हाथ आपके हिप्स के साइड में रहेंगे इस तरह से, ना ज़्यादा नीचे रखने हैं ना ज़्यादा बाहर की ओर। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर ले जाना है श्वास को अंदर खींचते हुए। तो हम 30 डिग्री से 60 डिग्री से 90 डिग्री तक पैरों को यहाँ पर पहले ले आएंगे। अब यहाँ से हाफ जाते हुए जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपको पूरा श्वास बाहर की ओर छोड़ना है और धीरे से पैरों को पीछे की ओर ले जाना है। धीरे धीरे वापस आना है और दोनों पैरों को बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड में और शवासन में लेट जाना है। धनुरासन। मैट लीजिए और धीरे से आप उल्टे लेट जाइए स्थिति में और धीरे धीरे एक एक करके आपको अपने पैरों को इस तरह से अंदर लाना है हिप की तरफ। अपनी बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाएं और एक एक करके या तो आप अंगूठों को भी पकड़ सकते हैं या फिर अपनी एंकल को भी, तो दोनों में से आप जो कंफर्टेबल हो
उसको आप पकड़ सकते हैं। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हुए लेग्स को इनसाइड नहीं करना है आपको, आउटसाइड मतलब अपने पैरों को बिल्कुल बाहर की तरफ ले जाते हुए ऊपर आएंगे। और फिर धीरे से पहले चिन और फिर लेग्स को नीचे लाएंगे और शवासन मतलब आप मकर आसन में लेट जाएंगे। धनुरासन के बाद आप वज्रासन में आते हुए थोड़ा सा इस तरह से नेक को रिलैक्स करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स करेंगे। तो ये थे वो चार योगासन जो कि पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम में लाभकारी होते हैं। आशा करते हैं आज की ये खास जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को, ताकि इस तरह की खास जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।